क्षेत्र में आप लोगों ने निजी विद्यालय तो देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा सरकारी विद्यालय भी है जहाँ निजी विद्यालय से भी बेहतर सुविधाएं वहाँ मौजूद हैं। साफ सफाई की बात की जाए या खेल ग्राउंड की बात की जाए या अध्यापकों के पढ़ाने की बात की जाए, तो ऐसा विद्यालय हमें कामा क्षेत्र में देखने को मिला है जो लाडला का गाँव में मौजूद है। लाडला का गाँव के विद्यालय में सभी सुविधाएँ मौजूद है, यहाँ तक कि बच्चों को 10वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उन्हें प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। और अब हम आज विद्यालय में मौजूद हैं और विद्यालय के प्रधानाचार्य हमारे साथ हैं। हम जानते हैं प्रधानाचार्य महोदय से थे कि किस तरीके से उन्होंने ये व्यवस्था की है, किस तरीके से इस विद्यालय को इस तरीके से सजाया है कि जो निजी विद्यालयों की तरह लगे। अंदर विद्यालय में प्रवेश करने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि ये सरकारी विद्यालय है। विद्यालय को देखने के बाद हर कोई यह बोलने को तैयार हो जाएगा कि यह कोई निजी विद्यालय है। इस विद्यालय में किस तरीके से योगदान किन किन लोगों ने दिया है ये प्रधानाध्यापक महोदय हमें बताएं, किस तरीके से इस विद्यालय में आप लोगों ने सफलता हासिल की है और विद्यालय को इस मुकाम तक पहुंचाया। विद्यालय के विकास के लिए स्टाफ के सारे कार्मिक प्रयासरत रहते हैं और एक टीम वर्क है। सभी विद्यालय के स्टाफ और ग्रामवासियों का हमको पूरा सहयोग मिलता है। विद्यालय में हमने बहुत सारे काम बिना कोई राजकीय मदद के कराए गए। विद्यालय में मेरे ख्याल से कामा में शायद 2-3 स्कूल होंगे, इसके अलावा हमारा स्कूल है जहां बच्चों को ऑनलाइन प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाई की जाती है। इसके अलावा विद्यालय में बैडमिंटन कोर्ट है। कुछ गिने चुने विद्यालय में ऐसा कोर्ट शायद होगा या मुझे लगता नहीं कहीं है। इस कोर्ट को बनाने में सभी अध्यापकों ने व्यक्तिगत योगदान दिया। और इसके अलावा विद्यालय में एक एनजीओ द्वारा वाटर कूलर फैसिलिटी आरओ भी है। आपके विद्यालय में कितने छात्र हैं और कितने अध्यापक हैं? हमारे विद्यालय में 256 छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं। इसके अलावा 11 अध्यापक कार्यरत हैं, 2 पोस्ट वैकेंट हैं, साइंस का वरिष्ठ अध्यापक और संस्कृत वरिष्ठ अध्यापक पोस्ट रिक्त हैं। विद्यालय में आपके द्वारा जो वृक्षारोपण किया गया है, चारों ओर हरियाली हरियाली दिख रही है, साफ सफाई विद्यालय में बहुत है, ये किस तरीके से आपने किनके मोटिवेशन में किस तरीके से आप ये करते हो? विद्यालय की प्रत्येक व्यवस्था में गांव वालों का बहुत अच्छा सहयोग है। शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक गाँव है। इसके अलावा विद्यालय में हमने जो वृक्षारोपण किया है उसमें ग्रामवासियों ने भी सहयोग दिया है और विद्यालय के सारे कार्मिक इसमें इन्वॉल्व हैं। प्रयास ये किया गया है कि विद्यालय में जो भी वृक्षारोपण हमारे यहाँ किया गया है वो सब औषधीय पौधे हैं, जो कि एक हरित पाठशाला के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए किए गए हैं। और विद्यालय में जो वृक्षारोपण किया गया है उसमें ब्लॉक्स बनाए गए हैं जिसमें बच्चों को शैक्षिक जानकारी दी गई है। ये थे प्रधानाचार्य जिन्होंने बताया विद्यालय में किस तरीके से उन्होंने विकास कार्य किया है। इसमें ग्रामीणों का भी सहयोग है और स्टाफ का भी बहुत सहयोग है। इस विद्यालय में चारों ओर हरियाली नज़र आ रही है, कक्षा कक्ष भी बेहतरीन तरीके से बना रखे हैं, साफ सफाई की भी विशेष सुविधा है। कक्षा 10 के लिए जो पढ़ाई की जा रही है वो प्रोजेक्टर के माध्यम से की जा रही है। हालांकि यहाँ प्रोजेक्टर के जो चलाया जाता है उसमें कभी कभी नेट की प्रॉब्लम ये बताते हैं, लेकिन प्रोजेक्टर के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाई की जा रही है। खेल ग्राउंड भी यहाँ बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। बच्चों के पीने के जो पानी की व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ आरओ लगा हुआ है, बच्चों को बहुत अच्छा पानी पीने के लिए भी यहाँ उपलब्ध है। और अब हम बात करते हैं जो यहाँ के ग्रामीण हैं, ग्रामीणों का क्या कहना है विद्यालय के बारे में। रुजमल खान हमारे साथ हैं जो यहाँ के ग्रामवासी हैं। रुजमल खान बताएं विद्यालय में बच्चों को किस तरीके से पढ़ाई की जाती है? हमारे यहाँ सबसे बड़ी तो ये है जो मास्टर हैं वो सब 15 मिनट स्कूल में पहले आते हैं और छुट्टी होने के बाद में 20 मिनट बाद में छुट्टी करने के बाद में जब बच्चे पूरे निकल जाते हैं उसके बाद में जाते हैं। कोई भी टीचर आज तक का रिकॉर्ड रहा है कोई भी टीचर 10 मिनट लेट हमारे स्कूल में आज तक कोई टीचर नहीं आया है, पहले ही आते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी है। और हर मास्टर अपनी क्लास पर और
जिम्मेदार है। और फिर कोई बच्चा यदि गांव में से नहीं आता है तो हमारे गांव में जो जो टीचर हैं वो दो दो तीन तीन की वो करके बनाकर और उस बच्चे के घर तक जाते हैं और बच्चों को घर से उनके माँ बाप से कहकर स्कूल को लेके आते हैं। ये हमारे यहाँ के टीचरों का बहुत बड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी एक परेशानी है जी, हमारे यहाँ एक मेवात इलाका होते हुए यहाँ उर्दू का टीचर नहीं है। जो उर्दू के टीचरों की व्यवस्था इन मास्टरों ने कोई बाहर से कोई किसी को बुलाकर बच्चों के लिए उर्दू पढ़ाते हैं, इसकी पोस्ट खाली है। तो कृपया करके उर्दू का टीचर में माननीय जाहिदा खान जी मंत्री जी से ये निवेदन करता हूँ कि एक हमारे लिए यहाँ उर्दू का टीचर दिया जाए। एक साइंस का टीचर नहीं है, एक साइंस का टीचर दिया जाए। आप लोगों ने प्रधानाचार्य के बाद ग्रामीणों की बातें सुनी और ग्रामीणों ने बताया कि राज्य मंत्री जाहिदा खान ने कुछ दिन पहले अपना स्टेटमेंट दिया था कि विद्यालय में समय पर अध्यापक पहुंचे और समय समाप्ति के बाद ही विद्यालय छोड़े। तो ग्रामीणों ने बताया है कि इस विद्यालय में अध्यापक समय से पूर्व आ जाते हैं और समय समाप्ति के बाद जाते हैं, और यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा विद्यालय नहीं आता है तो उसके परिवारजनों तक यह अध्यापक प्रधानाचार्य महोदय सूचना पहुंचाते हैं और उसके परिवारजनों से कह के बच्चे को विद्यालय में बुलवाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये निकल के सामने आई है कि इस विद्यालय का लगातार 10वीं कक्षा का 6 साल से 100% रिकॉर्ड जा रहा है, 100% छात्र पास हो रहे हैं। और इस विषय में मैं प्रधानाचार्य जी से पूछना चाहूँगा कि वो कक्षा 10वीं का जो इनका विद्यालय का 100% जा रहा है उसका किस तरीके से ये संदेश देना चाहते हैं। मेरा निवेदन ये है कि विद्यालय में 2 पोस्ट वैकेंट हैं, एक साइंस वरिष्ठ अध्यापक और उर्दू। तो उर्दू विषय के लिए हमने जो है बिलंग पंचायत के श्री गजेंद्र सिंह जी प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट की, एक टीचर उनका वो हमारे बच्चों को पढ़ाने आता है 2 पीरियड के लिए, और साइंस की व्यवस्था के लिए सारे अध्यापकों ने मिलकर पैसे खर्च करते हैं, प्राइवेट टीचर को कामा से बुलाते हैं केवल 10th क्लास को पढ़ाने के लिए। और जो 10वीं कक्षा में आपका रिजल्ट आया है 6 साल से लगा, हाँ, ये किस तरीके से आप दे रहे जो और लोगों और विद्यालय को संदेश जाए। जी बिल्कुल, कॉन्वेंट स्कूल की तरह व्यवस्थाएँ हैं, और किसी को शक हो तो वो विद्यालय आके देखे हमारा कि कोई बच्चा अगर एक दिन भी 10th क्लास का रुकता है तो उसी दिन सेम डे उस घरवाले माँ बाप के लिए कॉल जाएगा कि भाई क्यों रुका और कैसे रुका। बच्चों का प्रॉपर फॉलोअप लेने के कारण बच्चों में भी जागरूकता आई है और यहाँ पढ़ाई का माहौल बनाए हैं, 10th क्लास के बच्चे बिल्कुल रेगुलर रहते हैं। इसी का परिणाम है कि विद्यालय का निरंतर परीक्षा परिणाम 100% रहा है। प्रधानाचार्य योगेंद्र शर्मा जी ने बताया कि कक्षा 10th में वो किस तरीके से अपने 10वीं का 70% परिणाम देते हैं, वह विद्यालय में बच्चों को पूरा ध्यान देते हैं और विद्यालय के बाद वो परिवारजनों से भी ध्यान देते हैं। और उन्होंने ये खुले शब्दों में एक बात और कही है कि अगर किसी को कोई डाउट हो और कोई शक हो तो वह कभी भी विद्यालय आके देख सकता है। आज हम औचित तौर पर विद्यालय पहुँचे हैं, विद्यालय की सभी कक्षाएँ संचालित थी, सभी कक्षाओं में अध्यापक मौजूद थे, सभी छात्र छात्राओं को पढ़ाते हुए विद्यालय में मिले, सभी अध्यापक अपने अपने कार्यों में करते हुए मिले। और सबसे मज़ेदार बात ये निकल कर सामने आई है कि पूरे विद्यालय के अंदर एक भी अध्यापक मोबाइल पर वार्ता करता हुआ नहीं मिला, मोबाइल किसी के हाथ में नहीं मिला है, सभी अध्यापक अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे, छात्र छात्राओं को पढ़ाने में व्यस्त थे। यह सबसे बड़ी बात इस विद्यालय में निकल कर सामने आई है। और यह विद्यालय किसी निजी विद्यालय से कम नहीं है, हालांकि यह राजकीय विद्यालय है, लेकिन इस राजकीय विद्यालय के भीतर से जो हालात देखे जाए तो वो इतने बेहतर हालात हैं कि अंदर से देखने के बाद लोग ये कहेंगे कि ये निजी विद्यालय बहुत बेहतर विद्यालय, राजकीय विद्यालय कोई नहीं कह सकता है, जबकि ये राजकीय विद्यालय। हमारी इन स्टाफ को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो उस तरीके से उन्होंने इस विद्यालय को संजोया है और पूरे क्षेत्र में यह विद्यालय अलग ही संदेश देता है।